नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। आज क्या है? आज है दोस्तों शानदार संडे, यानी कि सुपर संडे आज का दिन है। और आज दो मुकाबले बहुत ही भयंकर, बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, जिसमें से पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस बार दिल्ली अपना हार का क्रम तोड़ने वाली है, या फिर केएल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स अपने जीत का क्रम बरकरार रखने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच की जानकारी कुछ मिनट पहले मिल जाए, टॉस का रिजल्ट, टॉस का प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन कुछ देर पहले मिल जाए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर प्रिंस भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इनसे आप कॉन्टेक्ट करके मैच की पूरी जानकारी मैच के पहले ही आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों बात करते हैं आज की दिनांक की। जी हाँ, आज क्या है, मई महीने का पहला दिन, यानी कि 1 मई 2022 आज की तारीख है। दिन क्या है? रविवार आज का दिन है। चलिए बात कर लेते दोनों टीमों की। तो एक और दिल्ली कैपिटल और एक और लखनऊ सुपर जायंट्स है। बात करते हैं दोस्तों आज के पहले भाग्यांक की, 1 मई 2022। इन सारे डेट को प्लस करके आज का भाग्यांक हम निकालते हैं 3। अब दिल्ली की बात करें तो दोस्तों इनकी राशि है मीन और स्वामी है गुरु। दिन आज का क्या है? रविवार है। तो गुरु और रवि आपस में मित्र है, एक पॉजिटिव पॉइंट हम दिल्ली को देंगे। लेकिन यहाँ यदि बात की जाए तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स मेष राशि मंगल स्वामी है, मंगल और रवि ज्यादा अच्छे मित्र है एज कम्पेयर टू गुरु एंड रवि, तो ज्यादा पॉजिटिव एक लखनऊ की ओर झुक जाएगा। बात करते हैं कप्तानों की, दोनों ही कप्तानों की एक ही राशि है तुला, क्योंकि ऋषभ और राहुल एक ही राशि है तुला राशि, जिसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र शत्रु है रवि का यानी सूर्य का। तो दोनों का बल्ला आज शांत रह सकता है। लेकिन बात की जाए न्यूमरोलॉजी की तो यह कुछ और स्टोरी बयां करती है। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऋषभ पंत का जो लकी नंबर है वह है 4, बट जो राहुल है इनका लकी नंबर 7 है। और 7 जो है वह मित्र है किसका? आज के भाग्य अंक का, यानी कि 3 का। तो शायद राहुल का बल्ला चलेगा, लेकिन राहुल की टीम के लिए यानी कि लखनऊ की टीम के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल गया है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो भाग्य अंक है, कप्तान का जो भाग्य अंक है, वो मैच होता है आज के भाग्य अंक से। अब बात करें दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन की कि आज का मुकाबला हमारे अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके पहले हमने लगातार 5 मुकाबले का सही प्रेडिक्शन दिया था। तो आज कौन जीतेगा एक बार फिर मैं एक बार क्लियर कर लूं। यदि आप चाहते हैं कि मैच की जानकारी कुछ देर पहले ही मिल जाए, कुछ सेकंड पहले ही मिल जाए टॉस की भी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर प्रिंस भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका काम बहुत ही बढ़िया है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन यह देते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे प्रेडिक्शन की कि कौन जीत सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स का जीतने का चांसेस आज के मैच में काफी ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि मुकाबला तो बढ़िया होने ही वाला है, क्योंकि रोमन पॉवेल भी अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए टीम की तो लखनऊ आज का मुकाबला, आज की बाजी मार सकता है। बात करें टॉप पिक की तो हम लखनऊ की तरफ से पिक करने वाले आज स्टोइनिस को। जी हाँ, मार्कस स्टोइनिस को पिक कर लेते हैं, दीपक हुड्डा को पिक कर लेते हैं और कुणाल पांड्या को भी हम पिक कर लेते हैं। अब यदि यहाँ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो इनकी टीम में हम मुस्तफिजुर रहमान, मिचेल मार्श और पृथ्वी शॉ, इन 3 प्लेयर को पिक करेंगे। काफी अच्छा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों का रह सकता है। आपका दोस्तों फेवरेट टीम कौन सी है, आपका प्रेडिक्शन क्या है और आपके टॉप फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जीत किसकी हो सकती है? लखनऊ सुपर जायंट्स की आज के मुकाबले में जीत हो सकती है। धन्यवाद। जय सियाराम।